हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फ़रवरी मंथ आपका कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेकर, साथ ही साथ लास्ट में हम करियर को लेकर भी देखेंगे जो भी प्रेडिक्शन में आएगा। सो यहाँ पे मैंने चार पाइल्स रखी हुई हैं। पहली पाइल है फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जिनकी भी राशि एरीस, लियो, सेजिटेरियस है उनके लिए है पाइल नंबर 1। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए होंगे, आप जो भी आपका सन साइन है, मून साइन है, उसके हिसाब से आप दोनों राशियों को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पाइल नंबर 2, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जिनकी भी वाटर साइन है वो पाइल नंबर 2 को देख सकते हैं। तीसरी पाइल है एक्वेरियस, लेब्रा, जेमिनाई, ठीक है। जिनकी भी एयर साइन है वो पाइल नंबर 3 देख सकते हैं। और लास्ट है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। जिनकी भी अर्थ साइन है वो पाइल नंबर 4 देख सकते हैं। आप अपने साथ साथ अपने पार्टनर की साइन भी अगर जानते हैं, बर्थ डेट से, बर्थ मंथ से जो भी उनकी साइन आती है, आप उनके लिए भी पाइल देख सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 से मैं रीडिंग शुरू करूंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो को अभी मैं साइड में रखती हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अभी मैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस चूज़ किया है फायर साइन, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके लिए क्या आता है फ़रवरी के मंथ में, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, साथ ही साथ आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जिनकी भी राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस पड़ती है उनके लिए गाइडेंस दे एंजल्स। फ़रवरी 2021 ओवरऑल कैसा जाने वाला है उनका। फ़रवरी 2021 लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून, मदर इश्यूज हैं कुछ लोगों को, मदर इन लॉ या मदर मे भी शायद आपके रिलेशनशिप के लिए ना मान रहे हों। साथ ही साथ कोई बात या तो आपने अपने दिल में छुपा के रखी है, या आने वाले समय में हो सकता है आप रखें, या आपसे कोई बात कोई छुपा रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कार्ड्स अरेंज कर दूँ फिर रीडिंग शुरू करते हैं फायर साइन के लिए। ओके, होप आपको सभी कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सो जिनकी भी राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, या जिनके भी पार्टनर की राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस में पड़ती है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग बहुत बर्डन हैं, बहुत तरह की जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पे है, या कोई जिम्मेदारियों को वो एज बर्डन झेल रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंडिंग हुई है कुछ लोगों की लव रिलेशंस में, मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है फाइनेंसेस में भी जॉब पे कोई नुकसान आया हो, या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना चल रही हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके फाइनेंसेस ख़राब थे, फाइनेंसेस को लेकर अगर आप लोग परेशान थे, तो फेब के मंथ में आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, डेफिनेटली फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लव रिलेशंस में हो सकता है किसी ने आपको हर्ट किया हो, किसी ने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो,
हो सकता है कुछ लोग के पार्टनर की शादी फिक्स हो गई हो, बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी फाइट्स हो रही हैं। हो सकता है कमिटमेंट को लेके काफ़ी फाइट्स हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं अपनी फैमिली से। हो सकता है ज़बरदस्ती उनको किसी शादी में डाल दिया गया हो या उनकी शादी फिक्स कर दी गई हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस स्टैंड लेने की, ठीक है। हो सकता है आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी गई हो और आप स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरह का हर्ट, किसी तरह का धोखा, हो सकता है आपके पार्टनर खुल के एक्सप्रेस ना कर रहे हों, आपसे अपनी फीलिंग्स ना बता रहे हों, कमिटमेंट के नाम पे पीछे हट रहे हों, इस तरह की एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पे ये करंट एनर्जी है, इस समय आप लोग इस सिचुएशन में हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है फेब के मंथ में, यहाँ पे अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपको इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं जो उन्होंने काफ़ी समय से छुपाई हुई है, या फिर आप किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप किसी की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, या कोई नया आपके लाइफ में आ सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। करियर में, फाइनेंसेस में आपको किसी तरह की सक्सेस मिलने वाली है। रिलेशनशिप में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका विजन क्लियर होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ में रहेंगे आप फेब्रुवरी के मंथ में। हो सकता है किसी तरह का ट्रैवल करें, किसी तरह का आप अचानक से कोई प्लान कर लें और घूमने चले जाएं, या हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो। एक टफ साइकिल देखी है आप दोनों ने। आप लोगों में कुछ पार्टनर्स में एज गैप हो सकता है, कुछ यंग हो सकते हैं, कुछ एल्डर हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं थिंकिंग से। आपके पार्टनर का अगर आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए तो वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आने का भी कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है फेब के मंथ में वो आपको प्रपोजल दें, आपको किसी तरह की स्टेबल कमिटमेंट दें, मैरिज का ऑफर दें, ये मैं देख पा रही हूँ। जजमेंट का कार्ड आया है। अगर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का लीगल इशू चल रहा है तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ सक्सेस का कार्ड आया है, ठीक है। हो सकता है लीगली कोई इशू आ जाए फेब के मंथ में तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत टाइम से हो सकता है आप लोगों ने कुछ प्लान करा हो, तो यहाँ पे अगर आपने कुछ प्लान करा है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपकी वो विश पूरी होने वाली है। अगर आपने रिलेशनशिप को लेकर सरेंडर किया हुआ है भगवान पे, तो भी भगवान आपको जजमेंट देंगे, किसी तरह का जजमेंट आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है फेब के मंथ में, ठीक है। बॉटम से अगर मैं देखूँ, हो सकता है कोई आपसे मूव ऑन करा हो, जिसको आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार किया हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। किसी रीज़न से हो सकता है पेरेंट्स ना मान रहे हों, कास्ट डिफरेंस हो, रिलेशन डिफरेंस हो, कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हो सकता है फाइनेंसेस मजबूत ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन अभी उतनी ठीक ना हो कि शादी कर लें। यहाँ पे इन सब चीज़ों से हो सकता है आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई हो रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे अगर एंडिंग हुई है तो स्पाई ज़रूर कर रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं वापस आपकी तरफ, जजमेंट लेना चाहते हैं, आपके लिए एक न्यू कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज आपके बिना डेफिनेटली वो खुश नहीं है। अगर आपको एक्शन लेना है तो आप हो सकता है एक्शन लें फेब के मंथ में और सक्सेस मिले, डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, ओके। अब मैं देखती हूँ फायर साइन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फायर साइन के लिए, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं उनके पार्टनर्स। डेफिनेटली कास्ट इशू है,
लीगली हो सकता है कुछ स्टेप लें आपकी तरफ। फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, साथ ही साथ अपने वेल्थ को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगी मैं भी। ब्यूटीफुल एनर्जी है, कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं ये देखिए। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 4, 5, 6, 7। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपको एंजल्स ने बताया है, आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर लव रीडिंग के हिसाब से आप ये प्रेडिक्शन देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते। कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप लोगों के बीच में, ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज अलग हो सकती है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उसे याद कर रहे हैं, सक्सेस देखते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत क्विकली आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है फायर साइन के लिए, नंबर 6। ओके, देखते हैं ओवरऑल आउटकम क्या निकलता है फायर साइन के लिए फरवरी मंथ में। आउटकम एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी गट फीलिंग की सुनिए, सिक्स सेंस आपका काम करेगा। एक टफ साइकिल आप लोगों ने एंड की है, डेफिनेटली वर्ल्ड का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में डेफिनेटली है, वो थर्ड पार्टी या तो पेरेंट्स हैं या तो कास्ट फैक्टर है, मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। लेकिन द हेरोफेंट का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड एक सॉलिड कमिटमेंट को दिखाता है, शादी को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। डेफिनेटली आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एट द एंड आप एक टफ साइकिल पूरी करेंगे। अगर करियर या फाइनेंसेस को देख रहे हैं तो फरवरी के मंथ में आपको फाइनेंसेस में भी बहुत राहत मिलेगी, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, आपको सक्सेस मिल सकता है। डेफिनेटली आपकी तरफ आप कोई नया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, लीगली भी आप कुछ कर सकते हैं। हो सकता है लीगली आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई नया आपको बिजनेस ऑफर मिले, पार्टनरशिप करें किसी के साथ। सो डेफिनेटली ओवर एंड ऑल मुझे एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए बहुत ही खूबसूरत मंथ दिख रहा है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं एरीज लियो सेजिटेरियस राशि के लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फरवरी मंथ में के विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यहाँ पे कार्ड आया है विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट बोला है मैंने। हो सकता है 6 फरवरी को या 6 आवर्स 6 डेज या 6 वीक्स के अंदर आपको किसी तरह की गुड न्यूज़ मिलने के चांस हैं एरीज लियो सेजिटेरियस। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखें, कोई नंबर्स, एंजल्स आपसे कांटेक्ट करें नंबर्स के थ्रू। सक्सेस फरवरी के मंथ में ओवर एंड ऑल टैरो से भी आया और यहाँ से भी आया है, आपको सक्सेस मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो ये थी फायर साइन की रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके भी राशि या जिनके पार्टनर की राशि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन है, सन साइन या मून साइन से आप देख सकते हैं, उनके लिए अब मैं रीडिंग करूँगी। देखते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है ओवर एंड ऑल। एंजल्स प्लीज गाइड करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि के लिए फरवरी 2021 क्या पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है, क्या गुड न्यूज हो सकती है, किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर कैंसर, पाइसेस।
स्कॉर्पियो, दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स। अगर और कोई कार्ड आना चाहता है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के लिए तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। अगर लव रिलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या आपके पार्टनर ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हुए हैं या कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में, या फिर दो ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, किस तरफ जाएं। करियर को लेकर अगर आप देख रहे हैं तो भी आपका माइंड स्टेबल नहीं है, डेफिनेटली आप कंफ्यूज्ड हैं कि नहीं, दो सिचुएशंस में इस तरफ इसको चुनूं या इसको चुनूं, इस तरफ पैसा लगाऊं या इस तरफ पैसा लगाऊं, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। इनडिसाइसिव हैं आप अभी एट प्रेजेंट। बाकी कार्ड्स देखते हैं। जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। मैं लव रीडिंग से स्टार्ट करूँगी और बाद में मैं करियर के हिसाब से भी बताऊँगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली दो सिचुएशंस में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों, सिंगल पेरेंट हों, या डिवोर्सी हों या विडो हों। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोग के पार्टनर सिंगल भी हैं तो भी अपनी पावर में आने वाले हैं, किसी तरह का डिसीजन लेने वाले हैं, आने वाले समय में स्टैंड लेने वाले हैं अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे बहुत जल्द। डेफिनेटली उन्होंने मन में डिसाइड कर लिया है कि उन्हें किसे चुनना है, किसे छोड़ना है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं, डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। साथ ही साथ कोई स्टेप लेने वाले हैं, कोई डिसीजन लेने वाले हैं बोल्डली, ठीक है। करियर के हिसाब से भी मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर ड्यूअल सिचुएशन में हैं तो किसी तरह का आप डिसीजन फुल एंड फाइनल लेने वाले हैं फरवरी के मंथ में, जो कि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे लेकिन आप नहीं ले पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जा रही थी जिसकी वजह से आप डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे थे। फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर या आप कोई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी भी राशि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है। किसी तरह का घाटा, किसी तरह का नुकसान आपको करियर में हो रहा है, जॉब में हो रहा है, साथ ही साथ लव रिलेशन में भी कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत हर्डल्स हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, बातचीत बिल्कुल बंद हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है द हर्मिट विद फोर ऑफ सोर्ड्स। ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर ऐसी सिचुएशन है, आपने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है खुद को, सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दिया है आपने अपनी सिचुएशन को। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप लोगों का ये हाल हुआ पड़ा है, लेकिन डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके। हो सकता है आपको स्टेप लेना हो, तो आप अगर किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स में हैं तो आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, खुद के लिए। अगर आपकी राशि है तो आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे बहुत जल्द। क्विकली आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं या आपकी तरफ कोई डिसीजन ले सकता है बहुत क्विकली, जिसमें आपको उस डिसीजन के बाद सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, पेरेंट्स किसी तरह का इंटरफेयर कर रहे हों आपके लव लाइफ में, आपके लव रिलेशन में। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और खुश नहीं हैं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हों, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उस सिचुएशन से वो बाहर आ सकते हैं आने वाले फेब के मंथ में। किसी तरह का एप्लीकेशन दे सकते हैं या लीगल इशू से रिलेटेड कुछ तो है। कुछ लोगों के लाइफ में अगर पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं तो वो भी हो सकता है लीगली मैरिज कर सकते हैं, ठीक है।
कोई डिसीजन तो आप लोग लेने वाले हैं फेब के मंथ में, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी डेस्टिनी को चुनें। देखते हैं कौन सा नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है फेब के मंथ में, पाइल नंबर टू के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, क्या हो सकता है। पेट का ध्यान रखिए, टमी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड। येलो कलर का यूज करिए। नंबर 9 इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर फेब्रुवरी। बेस चक्रा भी हील होगा आपका फेब के मंथ में, आपको हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोगों के रूट चक्रा में दिक्कत है, डेफिनेटली रेड कलर एंड येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करिए फेब के मंथ में, आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस समय कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, हर तरीके से आप लोग किसी तरह के घाटे में, नुकसान में हैं। तो आपकी लाइफ में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है फेब के मंथ में। फाइनेंशियली आपके लाइफ में और लव रिलेशंस में आपके बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। लव रिलेशंस में फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, जिसकी वजह से शायद आप या आपके पार्टनर डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भर के बैठे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, ट्रस्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, सारे ऑब्स्टिकल्स बाहर आ जाएंगे, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। अथॉरिटी का कार्ड आया है, हो सकता है आपके पार्टनर किसी तरह की अथॉरिटी वाली जॉब में हो, किसी तरह के हायर पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर हो सकता है सीईओ हो, मैनेजरियल पोस्ट हो, या फिर पब्लिक फिगर हो, इमेज हो उनकी या उनके फादर की। ये भी कुछ लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम्स है, आइसोलेट हैं आप लोग अभी, ठीक है, हील कर रहे हैं खुद को। आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है 9th फेब या 9 आवर्स, 9 डेज या 9 वीक्स, ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं वाटर साइन के लिए आउटकम क्या आता है ओवरऑल फेब्रुवरी के मंथ में। ओवरऑल आउटकम मेजर अरकाना से देखेंगे हम। इंट्यूशन का ध्यान रखिए, कोई है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, इमोशंस हाइड कर रहे हैं, लेकिन जजमेंट ज़रूर होगा। द फूल, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है फेब के मंथ में। हो सकता है मदर इश्यूज हों, हो सकता है आपके पार्टनर और आप ऑलरेडी मैरिड हों और मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम हो। ये भी हो सकता है कि अगर मैरिड नहीं है तो आपके लाइफ में या आपके फादर या मदर या उनके फादर या मदर कोई तो ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को। लेकिन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जजमेंट ज़रूर होगा आपके तरफ। एक न्यू बिगनिंग आप करेंगे, बिल्कुल केयर फ्री होके, केयरलेस होके आप स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं वाटर साइन के लिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा फरवरी के मंथ में, बातचीत, किसी को कोई ऐसे वर्ड्स ना बोल देना जिससे आप ही का घाटा हो जाए। वेट, थोड़ा इंतज़ार, वैसे भी 9 नंबर आया है, नो नीड टू वरी। इम्प्रूविंग हेल्थ, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर काम होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है फरवरी के मंथ में, अपनी इंट्यूशन की सुनना है। आउटकम से भी आया था द हाई प्रिस्टेस, मैंने पहले ही बताया था, सो लिसन टू योर इंट्यूशन।
इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ ख़राब है आपकी, आपके फैमिली में किसी की, तो वो ठीक हो जाएगी। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी सिचुएशन है, टेम्प्ररी सिचुएशंस हैं, सब ठीक हो जाना है। वेट, किसी चीज़ के में हड़बड़ी मत करिए, कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो सोच समझ के लीजिए। और कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है फरवरी के मंथ में, ठीक है। सो ये थी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की रीडिंग। अगर आप से ये सिचुएशन रेजोनेट करेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा चैनल, मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिनके भी राशि एयर साइन में पड़ती है, आपकी या आपके पार्टनर की, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। अब मैं इनके लिए रीडिंग करूँगी, इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, ओके। देखते हैं फरवरी के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं, क्या गुड न्यूज़ है, किन बातों का ध्यान रखना है। जो भी आएगा मैं फैक्ट बताऊंगी। ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई फरवरी 2021 कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। This is my last shuffle, angels. एक कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड आया था, बॉटम से भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन है, चाहे लव रिलेशन से रिलेटेड, चाहे फाइनेंसेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दीजिए और आपकी टेंशन, आपकी जो भी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी विश भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। इन्हें मैं अरेंज कर देती हूँ, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एयर साइन के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, उसमें बिल्कुल परेशान हैं। मैं लव रीडिंग प्लस करियर दोनों बताऊँगी, तो आप अपने अपने हिसाब से, जिस भी हिसाब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने मैसेज को ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं लव रीडिंग की बात करूँ स्टार्टिंग में, तो आपके पार्टनर किसी तरह के बोझ, किसी तरह की जिम्मेदारियों में दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, फाइट कर रहे हैं अपनों से, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है किन बातों को लेकर आप दोनों में फ़ाइट हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, ब्रेकअप हो गया हो। यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है पेरेंट्स ना मान रहे हों इस रिलेशनशिप में, ठीक है, पेरेंट्स किसी भी वजह से नहीं मान रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, लव मैरिज के खिलाफ हो सकते हैं, कुछ तो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आप लोगों में परेशानी है, हर्ट है बहुत ज़्यादा। करियर के हिसाब से देखूँ तो हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने किसी तरह का चीट किया हो, या फरवरी में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी तरह के धोखे से बचने के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए, ध्यान से काम करिए जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। फरवरी के महीने में किसी तरह का आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को दान दक्षिणा दे सकते हैं, आपका कुछ कर्मा होगा तो वो कट जाएगा, ठीक है, कोई नेगेटिव कर्मा होगा तो वो कट जाएगा। इमोशंस आप किसी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कोई आपकी तरफ आ रहा है जो अपने इमोशंस आपको खुल के एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है काफ़ी टाइम से वो हर्मिट मोड में हो, आपसे बातचीत बंद करके रखा हो, पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया हो, लेकिन वो आपकी तरफ आने वाले हैं। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बता रहा है कि आपके साथ एक पैशनेट रोमांटिक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं,
किसी तरह का सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हैं फेब्रुवरी के मंथ में। हो सकता है आप खुद अटेंड करें, हो सकता है आपको कोई इनवाइट करे जहां आप जाएं और वहां पे आपको आपके पार्टनर या जिनका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं वो मिल सकते हैं। किसी तरह की सक्सेस आपको मिलने वाली है फेब के मंथ में। अगर बहुत बर्डन था, बहुत जिम्मेदारियाँ थी, तो आपको एक न्यू शुरुआत का संकेत दे रही है यूनिवर्स। डेफिनेटली आप किसी की तरफ एक जेस्चर कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकता है, किसी तरह का गिफ्ट दे सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स पेरेंट्स की वजह से ऑलरेडी कहीं शादी फिक्स हो गई है या शादी हो गई है ऑलरेडी, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं किसी भी तरह। अपने आप को बहुत सैड एनर्जी में रखे हैं, लेकिन आपकी तरफ आ सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग अपना काम करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डेफिनेटली एक साइकिल आपने देखी है, टफ साइकिल, लेकिन ये कार्मिक साइकिल है। जो भी कर्मा जिसका बचा हुआ है वो उन्हें पूरा करना है, उसके बाद ही उन्हें फल मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस है वो बैलेंस आएगा, सिचुएशन में सारा चीज़ बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी सिचुएशन को लेकर आप फाइट कर रहे हैं या आपकी तरफ से आपके पार्टनर आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हैंगडमैन का कार्ड है, यहाँ पे विश पूरी होगी। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को सरेंडर करना है यूनिवर्स को। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में कंफ्यूजन हो, किसी तरह का ऑप्शन हो, लव रिलेशंस में भी या करियर में भी। हो सकता है आपके लाइफ में किसी तरह का ऑप्शन हो, इन्हें यहाँ ज्वाइन करूँ या यहाँ ज्वाइन करूँ, ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ या ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ, बट डेफिनेटली आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आया है सक्सेस। सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करिएगा, चाहे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करिएगा। द मजिशियन का कार्ड है। डेफिनेटली आप जो भी सोचेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तो अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नेगेटिव थॉट्स मत रखिएगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, तो विक्ट्री का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। देखते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई के लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है फेब्रुवरी के मंथ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड ये आ रहा है, वाओ, नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट, विक्ट्री। जो भी आप करेंगे आपको सक्सेस, वाओ, सक्सेस एंड विक्ट्री साथ में आया है। अगर ड्यूअल सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, दो थॉट्स में आप जगल कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको चुनूं या फैमिली को चुनूं, आपको चुनूं या करियर को चुनूं, जो भी सिचुएशन थी, अगर आप लोग बहुत डार्कनेस में थे तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 6th February या 6 days, 6 weeks, ठीक है, 6th नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको आपके पार्टनर जो भी हैं उन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। सक्सेस मिलेगी आपको फेब्रुवरी के मंथ में, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंसेस हो। अगेन सक्सेस का कार्ड आया है, जो ये कंफर्म कर रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। देखते हैं आउटकम में क्या आता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई राशि के लिए। ओवरऑल मेजर अरकाना से क्या कुछ मेजर होने के चांसेस हैं। द मजिशियन, द वर्ल्ड, द स्टार अगेन। आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगा, विश पूरी होने वाली है, जो भी विश आप मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आपकी एक टफ साइकिल एंड हो रही है, जो भी आपने दिक्कतें झेली हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं आपके लाइफ में। द स्टार का कार्ड आया है, यू हैव शाइन करोगे एक स्टार की तरह, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो विश आपकी पूरी होगी, आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं लास्ट में एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं एयर साइन के लिए। एयर साइन के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं लेकिन मैं ले रही हूँ। फोर कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने। हेल्पफुल पीपल, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था
कि कुछ लोगों को दान दक्षिणा दीजिए, कुछ गरीबों को खाना खिला दीजिए, कपड़े दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, आपके कुछ कर्मा हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अगर किसी सिचुएशन में आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आस्क फॉर हेल्प्स फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल भी मत झिझकिए, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की हेल्प लीजिए। बी असर्टिव, येस कार्ड आया है विद नॉट द राइट टाइम। अभी आपके लिए सही समय नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। आप पॉजिटिव सोचिए। बी असर्टिव इज़ अ येस कार्ड। आपके लिए जो भी आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, सो ये थी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की रीडिंग। अगर आपसी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट की हो, अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 4, जिनकी भी राशि कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस है, या फिर जिनके पार्टनर की राशि कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस है, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ। देखते हैं फेब का मंथ आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आया है, किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के लिए फेब्रुवरी 2021। ओके, ये दो कार्ड्स आना चाहते हैं। कैसा रहने वाला है फेब्रुवरी 2021 फॉर कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। अगर और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है थर्ड पार्टी कोई और पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकता है थर्ड पार्टी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है आपको किसी तरह का धोखा मिल सकता है आने वाले फेब के मंथ में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहला कार्ड है बहुत खूबसूरत द स्टार, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आप दोनों के लव रिलेशंस में प्रॉब्लम हुई हो। यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है विद द हाई प्रीस्टेस, जो बता रहा है कि थर्ड पार्टी कोई तो है जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं और अंत में आप दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद करके बैठे हुए हैं। फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। कास्ट इशू, रिलीजियस फैक्टर, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हों। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके लाइफ में आपके पार्टनर से आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। वो खुद भी आ सकते हैं आपके लिए, हिम्मत कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, केयरलेस होके, केयरफ्री होके आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर ये अंधेरा अभी है तो उजाला साथ में है। ठीक है, देखिए कितनी येलो येलो एनर्जी है न्यू बिगनिंग की। सो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, कुछ लोग किसी सिटी से बाहर जाना चाहते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, या किसी के पार्टनर्स हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है या चल रही थी, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्द, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर मेल हो, चाहे आपके पार्टनर फीमेल हो, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट हैं उनके लिए, आपने अपना सब कुछ सरेंडर करके रखा हुआ है डिवाइन पे। आप चाहते हैं एक सुकून भरी लाइफ, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, सुकून चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है, फेब का मंथ बहुत खुशियां लेकर आएगा। अगर आप मैरिड नहीं हैं
तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, चाहे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर ये सारे हर्डल्स पार करके आपकी तरफ आएंगे। अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ये हर्डल्स पार करेंगे, ठीक है? आप सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ अर्थ साइन के लिए। देखती हूँ अर्थ साइन के लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फेब के मंथ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फेब के मंथ में। एक कार्ड ये भी आ रहा है। सैक्रल चक्र, हैप्पी रहिए, सैड एनर्जी लग रही है मुझे, ज़्यादातर लोग किसी तरह की हैप्पीनेस नहीं है आपके लाइफ में, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, किसी तरह का प्लेजर नहीं है आपके लाइफ में। ऑरेंज कलर का यूज़ ज़्यादा करिए, ठीक है? ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, शादी का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, एक सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अगर आपके पार्टनर्स जगल कर रहे थे किसी सिचुएशन में, दो सिचुएशन थी, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, आपकी तरफ शादी का कमिटमेंट देंगे, सक्सेस देखते हैं आपके साथ, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है? अगर आप करियर के हिसाब से ये रीडिंग देख रहे हैं तो करियर में भी आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? जो भी आप काम कर रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूजन में हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अगर फाइनेंशियली किसी तरह का लॉस हुआ है, किसी तरह का घाटा हुआ है, तो भी आप उस घाटे से थोड़ा प्लानिंग करिए, थोड़ी स्ट्रेटजीज़ बनाइए, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लव बिगिनिंग का कार्ड है विद द थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी थी आपके लाइफ में, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं, आप लोगों का जो कपल है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, चाहे आप अपने लिए देख रहे हैं, चाहे अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आप लोग सोलमेट्स हैं। यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स के कार्ड से ही मुझे फील हो गया था कि कुछ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, सोल से कनेक्टेड हैं आप लोग, थर्ड पार्टी आपका कुछ नहीं कर सकती है। जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, न्यू बिगनिंग श्योर होगी, ठीक है? आपके लिए फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, 4 फरवरी, 4 आवर्स, 4 डेज, 4 वीक्स। ओवरऑल देखते हैं कि फेब के मंथ में मेजर अरकाना से आपके लिए क्या मेजर हो सकता है, क्या मेजर एनर्जीज आ रही हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस राशि के लिए, प्लीज़ बताएं एंजल्स। अरे स्ट्रेंथ, हिम्मत रखेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेंगे आप लोग, अपनी पावर में रहने वाले हैं। मजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, आप में एबिलिटीज़ हैं, आप कुछ भी जो भी आप ठानेंगे वो आप पूरा करेंगे। टेम्परेंस, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, आपकी सिचुएशन बैलेंस्ड होगी, साथ ही साथ अगर किसी तरह का हेल्थ इशू है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो रिकवर होंगी। एक कार्ड और लूँगी मैं। वन मोर कार्ड, ओके। अगर किसी तरह का रिलीजियस मैटर था, किसी तरह का कास्ट इशू था, कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन थी आपके लाइफ में, तो आपके लिए मैरिज का कार्ड आया है। डेफिनेटली हमारे पास नेक्स्ट एक्शन में भी नंबर का जो मैंने लिया था उसमें भी शादी का कार्ड आया था, और यहाँ से द हैरोफेंट का कार्ड आया है, जो बता रहा है कि फेब के मंथ में आपको आपके पार्टनर की तरफ से अरेंज्ड मैरिज नहीं तो लव मैरिज ही सही, कोर्ट मैरिज ही सही, लेकिन डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मैक्सिमम लोगों से मैं चाहूँगी कि ये रीडिंग रेजोनेट करे, ताकि आपके लाइफ में बैलेंस आए। हिम्मत रखनी है, हिम्मत से ही सब होना है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस राशि के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको किसी तरह की साइंस, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ दिखें, तो उसकी मीनिंग्स आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है? हर एंजल नंबर की अलग मीनिंग्स होती हैं,
आपको जो भी दिक्कत है एंजल्स आपको आंसर करेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएंगी। बॉटम से हमारे पास है इन द नियर फ्यूचर, थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपके रोमांस में, आपको डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर सक्सेस मिलेगा। ये देखिए वेट, इन द नियर फ्यूचर रोमांस, एंड अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वो इम्प्रूव होंगी। सो ये थी कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस राशि की रीडिंग। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।